आइंस्टाइन लेक्चर देने जाते थे। एक दिन गजब का वाक्या हुआ। उनका ड्राइवर कहने लगा, बाबू जी मैं आपके सारे भाषण पीछे बैठ के सुनता हूँ और सारे याद हो रहे हैं, ये लोग इतनी ताली क्यों बजाओ हैं, बात तो कोई खास ना बताते आप। आइंस्टाइन कहने लगे, तो कोई भी एक बात बता। तो कहने लगे, एक बात क्यों, मैं सारी बता दूंगा। तो आइंस्टाइन ने कहा, ठीक है तू पीछे आ जा गाड़ी में और मैं तेरा ड्राइवर बन जाता हूँ, आज पता लग जाएगा तेरे को कितना पता है। और ड्राइवर तो भाई कॉन्फिडेंस का फुल भरा था, पीछे तन के बैठ गया। अब जहाँ लेक्चर था वहाँ आइंस्टाइन जी को कोई नहीं जाना करता, बस ये पता था बड़ा फेमस साइंटिस्ट है। गए, बड़ा स्वागत हुआ। आइंस्टाइन तो ड्राइवर बन रहे थे और आइंस्टाइन का ड्राइवर जो है वो आइंस्टाइन बन रहा था। माला पहन आई, स्वागत हुआ, ताली बजी और लेक्चर के लिए आइंस्टाइन को आवाज़ लगाई तो ड्राइवर जाके भाषण देने लगा। जो ड्राइवर बन रहा था स्वयं आइंस्टाइन जी, वो सुन के दंग रह गए। हू बहू लेक्चर याद, पूरा का पूरा, लोगों को अंत तक पता नहीं लगा। और लेक्चर की समाप्ति पर एक भद्र पुरुष ने हाथ उठाया कि साइंटिस्ट महोदय एक छोटा सा प्रश्न है। और उन्होंने प्रश्न पूछा कि जब कोई दिए की बत्ती जलती है और हम उसे फूंक मारकर बुझा देते हैं तो वो जो एनर्जी उसमें थी वो कहाँ चली जाती है। अब किसा आइंस्टाइन था, वो तो ड्राइवर था, फंस गया। लेकिन सूझबूझ कमाल की थी, कहता ये भी कोई प्रश्न है, इसके लिए भला मैं उत्तर दूंगा, इसका उत्तर तो मेरा ड्राइवर भी दे देगा। और उसने तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाया जो वास्तव में आइंस्टाइन थे, और आइंस्टाइन ने उसका उत्तर दिया। कॉन्फिडेंस का यही कमाल होता है, जब आदमी आत्मविश्वास से भरा हो तब सूझबूझ भी अपने आप आ जाती है, और जब आदमी में आत्मविश्वास ना हो, डरा हुआ हो, डिमोरलाइज्ड हो, तो जो चीज़ आती है वो भी भूल जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले आत्मविश्वास की आवश्यकता है, और वो तभी आ सकता है जब हम पूरी मेहनत करें, लगन के साथ उसके बारे में जानें, समझें, पढ़ें, लिखें, तभी जाकर हम किसी बात को बढ़िया तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उस बारे में लोगों को जागृत कर सकते हैं।